कप चुस्की के साथ ही हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। और निर्भर करता है, अगर चाय की चुस्की अगर ख़राब मिल जाती है तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा दिन ख़राब ना हो जाए, क्योंकि वो पहली शुरुआत होती है, उसके साथ ही हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। आज हम एक चाय बागान में मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पे टी गार्डन के अंदर जो टी जो मजदूर हैं, जो चाय पत्तियों को कितनी तेज़ रफ्तार से ये आप तोड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं। मूवीज वगैरह में तो आपने देखा होगा, लेकिन हकीकत में इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और चाय बागान से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक पहुँचती हैं। कभी चाय बागान के बंद होने की खबर सामने आती है, तो कभी मज़दूरों से जुड़ी हुई उनकी समस्याएं आप तक पहुंचती हैं। इस वक्त हम कुछ चाय बागान के मज़दूरों के साथ लाइव आपसे जुड़े हैं, और मज़दूरों की जो समस्याएं हैं, उनकी दिनचर्या कैसी होती है, उनके ज़िंदगी में क्या उतार चढ़ाव आते हैं एक चाय बागान के बंद होने पर, हम उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? रबिया खातून। रबिया खातून, हाँ जी। रबिया जी, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगता है, मतलब जब हम लोग पिक्चर वगैरह में देखते हैं तो हम लोग को तो वैसे आम इंसान को बहुत बढ़िया लगता है कि इतनी तेज़ रफ्तार में आप लोग पता नहीं जाने कितनी सारी चाय की पत्तियां तोड़ लेते हैं, लेकिन आपकी अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ कहेंगे, कितनी खुशियाँ हैं? मेरा तो खुशियाँ भी नहीं है, हर दिन गम ही है गम। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ घर में वो सुख ही नहीं मिलते, हर चीज़ का तकलीफ है। तो आप ये जो चाय बागान में, आप पहले ये बताइए रुबिया जी कि आप कितनी पत्तियां तोड़ लेते हैं और कितनी इससे कमाई हो जाती है? कितना होगा, हम लोग दिन भर में सुबह का निकला हुआ, हम लोग दिन भर में 180 रुपया कमा लेते हैं मात्र। हाँ। और कोई है कि कितना तोड़ना है, कुछ इस तरह का दिया जाता है कि इतनी तोड़ना है जो आप जो आपने 24 किलो? 24 किलो, हाँ जी। 24 किलो के लिए आपको 180 रुपये? हाँ जी। और वो भी नहीं हो सके 24 किलो, तो उसमें से आधा हाजिरी। ये तकलीफ बयां कर रही हैं रुबिया खातून, जो कि चाय बागान में वर्कर है, लेबर है। 180, मात्र 180 रुपए 24 किलो चाय की पत्तियों तोड़ने के एवज में इन्हें मिलता है। और अगर 24 किलो पूरे नहीं हो पाते हैं, इनकी पत्तियां का जो वज़न 24 किलो नहीं होता है, तो सीधा हाजरा आधा कर दिया जाता है। कैसे चलता है परिवार आपका? जैसे तैसे, नून रोटी खा के। नून रोटी खा के, हाँ। कभी होता है कभी नहीं होता है, ऐसे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपका 24 केजी अगर आप लोग नहीं तोड़ पाए हो तो आपका हाजरा आधा कर दिया जाता? हाँ। कितने सुबह आते हैं, कब तक काम करना पड़ता है? हम लोग कितना सुबह, 9 बजे ना? 9 बजे। 9 बजे, हाँ जी। और कब जाते हैं? 5 बजे। 5 बजे आने जाने का जो गाड़ी कौन देता है, ये आपको बागान के मालिक देते हैं या खुद से ही आना पड़ता है? मालिक देता है। मालिक देते हैं। आपका क्या नाम है? दीप कुमार कुजूर। दीप कुमार कुजूर जी। दीप, आप कब से इस व्यवसाय में, इस काम से जुड़े हुए हैं, ये जो जो चाय पत्ती तोड़ने का जो काम है, कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? जी हो गया 1 सप्ताह, 2 सप्ताह हो गया। साल इससे पहले क्या करते? इसके पहले स्कूल जा रहा था। स्कूल जाते जी? स्कूल जाना बंद कर दिया? खत्म कर दिया। खत्म कर दिया, क्यों? ज़्यादा पढ़ नहीं सका इसमें। पैसे नहीं थे या पढ़ने का मन नहीं था? पैसे नहीं था। पैसे नहीं थे। घर में कौन कौन है? मैं, पिताजी है, एक दीदी है, एक बहन है, एक भाई है। घर का गुजारा कैसे चलता है? चलता है ऐसे तैसे चलता है, बगान में काम करके कितना मिलता है वो। कितना कमा लेते हैं आप? जी होता है। आपने कहा 1 हफ्ते से आप काम कर रहे हैं, 1 हफ्ता से कितना कमाया आपने? हम लोग को हफ्ता में मिला जाता है, पूरा हफ्ता भर कमाने से 1080, वही 1080 में हम लोग जैसे तैसे भी करके गुजारा कर लेते हैं। 1080? हाँ जी। आप कितने साल से इस काम में जुड़ी हैं? मैं तो काम से बहुत पहले से काम करती हूँ, जैसे कि कितना बोल दूँ, 12 साल की थी मैं तब से। 12 साल से लेके अभी तक में कुछ बदलाव आपने देखा है चाय बागान के अंदर, कुछ और ज़्यादा सुविधाएं, या पहले जैसे थे आज भी वैसा ही है, या कुछ सुविधाएं ज़्यादा दी गई हैं? सुविधा तो क्या बोलूँ आप, सुविधा तो उससे सुविधा तो नहीं हो सकता है, वो इससे ज़्यादा ही वो है हम लोग का।
सुविधाएं नहीं है। बच्चे कहाँ पढ़ते हैं आप लोग का, मतलब इससे से बच्चे बच्चे को पढ़ा पाते हैं या बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं? क्योंकि आपने तो नहीं पढ़ा पाते हैं हम लोग, यानी कि सरकारी में है। सरकारी में? हाँ जी। अब प्राइवेट तो हम लोग कैसे पढ़ाएंगे, हम लोग के पास इतना पैसा नहीं है पढ़ाने के लिए, खाने के लिए नहीं होता है तो पढ़ाएंगे कैसे फिर? खाने के लिए जब पैसे नहीं है तो पढ़ाएंगे कैसे? देश का भविष्य, बच्चे आज भी बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हैं कि अगर हम सुदूर ग्रामीण इलाके में निकलते हैं तो आज भी आपको कई ऐसे परिवार मिलेंगे जो सिर्फ अपने रोजी रोटी के लिए जद्दोजहद में हैं, और जब रोजी रोटी के ऊपर सवाल रहते हैं तो शिक्षा तो बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ एक और वर्कर हैं, टी गार्डन वर्कर हैं, लेबर हैं। क्या नाम है आपका? सपना तिर्की। सपना? हाँ। सपना कितनी उम्र होगी आपकी? 16। 16 साल? हाँ। से आप 16 साल काम कर रहे हैं? हाँ। घर में कितने लोग हैं आपके? 5। 5? तो सपना आपने पढ़ाई नहीं की, 16 साल तो बहुत कम उम्र है। करती हूँ। करते हो? हाँ, अभी एग्जाम लेके छुट्टी है इसीलिए आ रही हूँ। तो आप आगे क्या करना चाहते हैं? आप भी इसी तरह काम करना चाहे, टी गार्डन में चाय पत्तियाँ तोड़ना चाहते हैं? कुछ सपना है आपका? हाँ, मेरा कुछ सपना है। सपना का सपना क्या है? ऐसे कुछ नौकरी। नौकरी? क्योंकि आपके पास शिक्षा भी है, और जो हालात है अभी जो लेबर के, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ तो लेबर ठीक है। अच्छा रुबिया जी, ये बताइए, जो अचानक से ही जो गार्डन जब बंद हो जाते हैं तब आप लोग क्या करते हैं? क्योंकि रोजी रोटी आपने बताया कि इसी से जुड़ा हुआ है आपका परिवार, पूरा इसी पे निर्भर है। पिछले 12 वर्ष से आप यही काम करें, एक टी गार्डन में लेबर का काम कर रहे हैं। तो जब बंद हो जाता है टी गार्डन तो इधर उधर नदी में काम होता है, नदी में काम करते हैं, ढोंगा थोड़ते हैं, फिर गिट्टी बालू चलते हैं, यही सब काम करते हैं हम लोग। उससे कितनी कमाई हो जाती है? कितना हफ्ता में? वही पूरा सारा दिन खटने से हो जाएगा 1500 करीब हफ्ता में, नहीं खटने से फिर वही 1000-1200। हम लोग का तभी बगान बंद है। कौन सा बगान? डंकन्स कंपनी, गंगाराम बगान बंद है जी। तो आप लोगों ने इसके लिए मालिक से अनुरोध नहीं किया? आप लोग कहाँ जाएंगे? और इस तरह से जब बंद हो जाता है तो आप लोगों के लिए कोई व्यवस्था की गई? व्यवस्था तो नहीं किया गया, अभी काम चल रहा है, मतलब दूसरा फैक्ट्री में सेल हो रहा है, पत्ती टी फेल सेल हो रहा है। तो आप लोग जो काम करें, तो आप मालिक से नहीं बोला कि आप लोग के लिए कुछ व्यवस्था की जाए? करते नहीं हैं कुछ। बोला है? बोला है कितने बार, अभी तो कितना साल लगा? 4 साल। 4 साल 5 साल होने वाला है अभी। तो आप भी वहीं पे काम करती थी? हाँ जी, वहीं पे हम भी काम करते थे। तो वहाँ पे और यहाँ पे काम करने में क्या अंतर है? वहाँ पे अभी पेमेंट नहीं ना मिलता है, पेमेंट नहीं मिलने से फिर परिवार चलाने के लिए। कितने दिनों आपको पेमेंट नहीं मिला वहाँ पे? कितने दिन? 3 सप्ताह 4 सप्ताह बाद में एक बार तालाब पेमेंट मिलता है, वही 1 सप्ताह का। कितना मिलता है तब? 3 हफ्ता 4 हफ्ता जब बाद पेमेंट मिलता है तो कितना मिलता है? कितना मिले वहाँ का तालाब? एक महीना पूरा होने से सिर्फ 7-8 दिन का मिलता है, 1 महीना होने से 7-8 दिन का पेमेंट मिलता है। कहाँ पे? बगान में, डंकन्स कंपनी में। कब की बात है ये? अभी चल रहा है, अभी ठीक से, बीते साल ऐसे चल रहा था, अभी पत्ती सेल हो रहा है बाहर, चल रहा है थोड़ा मोड़ा, फिर ऑफ सीजन हो जाने से अभी। तो आप लोग काम करते रहते हैं? नहीं करते हैं, फिर इधर उधर हम लोग भटकते हैं, जैसे कि अभी हम लोग भटकते हैं। सरकार से क्या मदद चाहती हैं? सरकार से हम अब क्या मदद चाहें? अब सरकार गरीब लोगों को क्या क्या मदद देते हैं, वही हमको भी चाहिए मदद। हर गरीब को तो बहुत सारा मदद देते हैं, फिर हम लोग का इधर तो पश्चिम बंगाल तरफ कुछ मदद नहीं है, इतना सारा गरीब पड़ा हुआ है। हम लोग तो बहुत ऐसा गरीब का भी, बहुत ऐसे आदमी का घर दूर बहुत अच्छा अच्छा है, हम लोग का इधर तो कुछ भी नहीं है, झोपड़ी का तरह में रहते हैं हम लोग। कहाँ से आए? जय क्या बोलते हैं, हम लोग का पहाड़ गुमगुमा साइड, पहाड़ गुमगुमा के सामने नाम है पत्थल हरड़िया। हाँ जी। तो चाय बागान में काम करने, हंसते मुस्कुराते चेहरे के पीछे जो दर्द है, ये तकलीफ हमने आज आपको दिखाया। आप
अंदाज़ा लगाइए कि आज के दिन में भी 24 किलो जब चाय की पत्तियां तोड़ी जाती हैं तो उसके एवरेज में 180 रुपए मिलते हैं और हफ्ते का इन्हें 1080 इन्हें मिलता है। और जब बागान बंद हो गए तो आपने सुना, इनकी ज़ुबानी हमने आपको सुनाया कि महीने भर काम करने के बाद जो तनख्वाह इन्हें हाथ में सौंपा जाता था, महज 7 और 8 दिनों का ही जो पेमेंट इनका बनता था उनके हाथों में सौंपा जाता था। पश्चिम बंगाल में इस वक्त, नॉर्थ बंगाल में इस वक्त हम खड़े हैं और यहाँ के जो हम बंगाल की अगर हम बात करें तो चाय पत्ती की खुशबू विदेशों में भी आप लोग महसूस कर सकते हैं, लेकिन चाय की खुशबू को, उस चाय की खुशबू को विदेशों तक पहुँचाने वाले लेबर आज भी अपनी ज़िंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जो उनके मौलिक अधिकार हैं उनसे कोसों दूर है। सरकार से इनकी मांग है कि सरकार इनके बारे में भी सोचे, क्योंकि यह भी एक समाज का हिस्सा है। नमस्कार।